भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह भारत के उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर बनारस के विश्वनाथ गली में स्थित है। हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गंगा के पश्चिमी तट पर कई हजार सालों से स्थित है। मंदिर के मुख्य देवता को श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। ऐसा कहा जाता है एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और गंगा स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी को प्राचीन काल में काशी कहा जाता था और इसीलिए इस मंदिर को लोकप्रिय रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि में प्रमुख मंदिरों से भव्य शोभा यात्रा ढोल नगाड़े के साथ बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर तक जाती है। यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान कहा जाता है। कहा जाता है कि जब माता पार्वती शादी के बाद अपने पिता के घर रह रही थी, तब उन्हें यहाँ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि शादी के बाद सब लड़कियाँ अपने ससुराल चली जाती है और वह यहीं अपने पिता के घर रह रही थी। इसलिए उन्होंने महादेव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा, तो भगवान शिव ने माता पार्वती को वहाँ से काशी लेकर आए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित किया। हिंदू धर्म में कहते हैं कि प्रलय काल में भी इसका लोप नहीं होता है। इस समय भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर इसे उतार देते हैं। यही नहीं, आदि सृष्टि स्थली भी यही भूमि बतलाई जाती है। यही स्थान पर भगवान विष्णु ने सृष्टि उत्पन्न करने की कामना से तपस्या करके आशुतोष को प्रसन्न किया था और फिर उनके शयन करने पर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने सारे संसार की रचना की। अगस्त्य मुनि ने भी विश्वेश्वर की बड़ी आराधना की थी और इन्हीं की अर्चना से श्री वशिष्ठ जी तीनों लोकों में पूजित हुए तथा राजश्री विश्वामित्र ब्रह्मऋषि कहलाए।